हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफा। वेलकम टू फूड स्टोरीज़। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अंगारा। ये घर में बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद हम अखा गरम मसाला डालेंगे, ये देखिए। उसके बबाद हमें डालना है 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे रफली चॉप कर लिया है। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेना है। अब हमें इसमें डालना है 1/2 इंच अदरक और 4-5 लहसुन के कलियां। फिर डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद डालेंगे थोड़े से काजू, मिला लेंगे सारी चीजों को अच्छे से। सारी चीजें मिक्स होने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, ताकि टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें इसे ढककर रखना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसकी हमें स्मूथ पेस्ट बनानी है। ये देखिए, वो सारी चीज़ें ठंडा होने के बाद मैंने पेस्ट बना ली है। अब हम पैन लेंगे, पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, अब हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच जीरा। उसके बाद डालेंगे ये पेस्ट जो हमने अभी रेडी की थी। इस मसाले को हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले को मैंने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। याद रहे, हमने टमाटर पकते वक्त भी नमक डाला है, तो हम यहाँ पर नमक कम डालेंगे। अब हमें इसमें डालना है बड़े पीसेस में कट किया हुआ कैप्सिकम, बड़े पीसेस में कट की हुई प्याज, मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अब हमें इसमें डालना है पनीर के पीसेस, लास्ट में हमें डालना है, ताकि पनीर ओवर कुक ना हो जाए। अच्छे से मिला लेंगे, हल्के हाथों से हमें इसे मिलाना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये पनीर के पीसेस हैं वो टूट जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। मिला लेंगे अच्छे से। देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई। अब हम गैस को बंद करेंगे। अब हमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए एक प्रोसेस करना है, जिसके लिए मैंने कटोरी में गरम कोयला लिया है। हम ऐसे इस तरह बीच में रखेंगे और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढक कर रखेंगे। अब हम इस कटोरी को इसमें से निकाल देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे फिर से। अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, पनीर अंगारा खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।